एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 3.4.1। क्वेश्चन इज रोहन इज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन इज प्रेजेंट एज। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं, मतलब बड़ी हैं, और उनकी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इसका मतलब हो गया अब से 3 साल बाद। देखो यहाँ पे विल बी वर्ड लगा हुआ है, विल बी का यूज होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो अब से 3 साल बाद उनकी जो एज हो जाएंगी उनका प्रोडक्ट क्या होगा 360। आपको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता नहीं है कि यह हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन है चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। यहाँ तो खैर आपका चैप्टर 4 में है तो आपको पहले ही नोन है, एग्जाम में मैं नहीं बता होता। ठीक है, तो हम चैप्टर 3 की तरह स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जितनी चीज़ें पूछी होती हैं उतनी चीज़ें हम अज्यूम करते हैं। तो इसमें आपके पास एक ही चीज़ पूछी है, रोहन की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम ओनली वन चीज़ अज्यूम करेंगे और उसके अलावा आपकी जो भी कंडीशन गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, ओनली रोहन की एज। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू, वो मैंने ज़ूम की है एक्स ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो मदर हैं ठीक है, जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं। मतलब मदर इक्वल टू मैंने रोहन लिख दिया, मतलब मैंने मदर की और रोहन की एज को इक्वल कर दिया। ठीक है, तो मदर जो है रोहन से 26 कैसी हैं, बड़ी हैं। तो 26 हम किधर ऐड करें, मदर तो पहले से ही बड़ी है रोहन से। ठीक है, और मैंने दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, तो 26 हमें रोहन वाली साइड पर ऐड करना पड़ेगा जिससे ये दोनों एज कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि मदर तो आपकी रोहन से बड़ी हैं। ठीक है, तो मदर तो रोहन से एज जो है वो ज़्यादा होगी, तो 26 हमें कम वाली साइड पर रोहन वाली साइड पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रोहन की एज मदर से कम होगी। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मदर इजिकल टू आ जाएगा रोहन की हमने क्या मानी थी एक्स प्लस 26। ठीक है, तो रोहन की हो गई एक्स ईयर, मदर की हो गई एक्स प्लस 26। ठीक है, प्रेजेंट एज। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। अगर मान लो अभी किसी की एज है 5 साल, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 8 साल। कैसे किया, हमने ऐड कर दिया। अगर अभी किसी की है 15 तो आफ्टर 3 ईयर हो जाएगी 18, ऐड कर दिया। अगर अभी किसी की है 20, थ्री ईयर बाद हो जाएगी 23, ऐड कर दिया। ठीक है, तो रोहन की जो है वो 3 ईयर बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3, और मदर की कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26 अभी है और उसमें 3 और ऐड कर दो, और इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई वो आपकी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 360। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो ये तो हो गई आफ्टर 3 ईयर वो रोहन की एज, ये हो गई आफ्टर 3 ईयर मदर की एज। ठीक है, ये प्रेजेंट और ये आफ्टर 3 ईयर। अब इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 29 से मल्टीप्लाई 29x, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 29 से मल्टीप्लाई तो 3 9 27 और 3 2 6 87। ठीक है, इक्वल टू 360। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 360 को जरा माइनस में लेके आएंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर 29 और 3x, ये आपका हो जाएगा प्लस 32x और ये हो जाएगा प्लस 87 और ये यहाँ हो जाएगा माइनस का 360।
इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये आपका 15 में से 8 जाएगा 7, और सॉरी माइनस का ये आपका बचेगा 3, और यहाँ आपका 15 में से 8 जाएगा 7, और ये 2, मतलब 273, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म आ गई। बस हमें यहीं तक करना था, उसको आगे सॉल्व नहीं करना था, ठीक है।